तो अभी हम लोग जंगल में बैठे हुए थे और ये पीछे पानी की बोतल रखी हुई है। तो अभी जस्ट हम लोग ने खाना खाया है। मैंने तो टिफ़िन ला लिया था, तो मैंने यहीं बैठ के खा लिया हूँ, क्योंकि भूख लग जाती इसलिए टिफ़िन लेके आना जाना पड़ता है। तो अभी मैं रूम में आया था, शाम हो गई है लगभग, जंगल से आते आते 6 बज गया है। और कुछ भाई लोग का कमेंट आ रहा था, अब कमेंट के जवाब दे दिया जाए कि सर ड्यूटी कितने देर की होती है। तो ड्यूटी यार 24 घंटे की होती है, ऐसा नहीं कि मैं रूम में आ गया तो कुछ काम नहीं है। अगर मुझे कॉल्स आ गया किसी के तो तुरंत जाना पड़ेगा, या गांव में कुछ हो गया तो जाना पड़ेगा। मुझे एक छाला हो चुका है यहाँ पे, इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है। खैर कोई बात नहीं। और दूसरा कमेंट आया था सर कि क्वार्टर से रिलेटेड वीडियो बनाइए, क्वार्टर देखना है। तो मेरा क्वार्टर यही है, इसके पुराने वीडियो में भी दिखा चुका हूँ मैं, तो आप लोग वो उठा के देख सकते हैं। क्या जंगल के वीडियो अच्छे लगते हैं या डेली लाइफ के, वो भी कमेंट में बताइए। कैसे किस टाइप के वीडियो बनाएं वो भी बताइए। बाकी मैं तो अपने हिसाब से बनाता ही हूँ, बाकी आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं कि किस टाइप से वीडियो बनाना है। अगर आप लोग भी फॉरेस्ट में रुचि रखते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए। कुछ एक दो लोगों के कमेंट भी आए थे कि सर हमारे घुटने में दर्द है या आवाज़ आती है, तो भाई अभी से उसका ट्रीटमेंट कराइए। ट्रीटमेंट हर चीज़ का होता है, अगर समय से उसका इलाज हो जाएगा तो हो सकता है इन फ्यूचर आप लोग का पेपर निकल जाए। तो कम से कम फिजिकल में या ग्राउंड में नाटको आप लोग तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। सब चीज़ का इलाज है आजकल के, इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो सब बीमारी का इलाज होता है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, ठीक हो जाइए। और मैं बार बार कहता हूँ कि सब लोगों से सलाह लेना बंद करिए, अपने विवेक से काम करिए। कभी भी दूसरों की बातों में ना आए, यहाँ तक कि मेरी बातें भी सुने, दूसरों की भी सुने, फिर तीसरे की भी सुने, चौथे की भी सुने, तो किसकी अप्लाई करूँगी। इसलिए कभी भी एक लोगों को फॉलो करिए, अपना एक गुरु बनाइए। 10 गुरु बनाओगे 10 तरह की बातें आएगी। हो सकता है कि मेरे जैसे बातें कोई और भी बताए, तो उनका थोड़ा डिफरेंट होगा बताने का तरीका। बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि गुरु अपना अच्छा चुनिए, फर्स्ट क्लास, जिसे नॉलेज हो, रुचि हो फॉरेस्ट में और इंटरेस्टेड हो, तो ऐसे ही लोगों से सलाह लीजिए। अगर आप किसी से भी सलाह लेते हैं तो देख परख के ही सलाह लीजिए। यार यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, रूम इतना गर्म होता है हमारा, क्योंकि पूरा ये देखिए क्या हाल है रूम के हमारे, तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और दिन भर से बंद रहता है, क्योंकि मैं जंगल चल जाता हूँ और लॉक करके चल जाता हूँ, तो हीट जमा हो जाती है अंदर से, बहुत गर्माता है, इसलिए एकदम जब भी आओ तो पसीना पसीना हो जाते हैं। अगर आप लोग फॉरेस्ट गार्ड बन गए तो आप लोगों को भी ऐसे ही रूम मिलेगा। एक बार आ जाइए अच्छे से पढ़ाई करके, फॉरेस्ट ज्वाइन करके देखिए, फॉरेस्ट में बहुत मज़ा है। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा विभाग अपना ही लगता है ना, फॉरेस्ट में। यार आप लोग आओगे तो ही आप लोगों को पता चलेगा मैं अपने मुंह से कितनी तारीफ़ करूँ अपने विभाग की, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। यह है कि बस आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए, आप लोग कुछ बन जाए, मेरा ये उद्देश्य है। तो मुझे जंगल जाने में डेली तो मज़ा ही आता है, आप लोग मेरे वीडियो तो देखते ही होंगे। तो चलिए अब ठीक है, ब्लॉग का एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं नहा लेता हूँ और मिलेंगे आपसे कल सुबह एक नई सुबह के साथ। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।